सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ध्वनि तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर को जानेंगे। आज की इस वीडियो में ध्वनि तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर आपको इस प्रकार बताया जाएगा कि आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात ध्वनि तरंग एवं विद्युत तरंग में अंतर को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास ट्वेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज एवं बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज एवं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपको दिया गया है ध्वनि तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर। ध्वनि तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों में स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंग जो होती है यह यांत्रिक तरंगे होती है, जो ध्वनि तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती है। पहला अंतर आपको याद रखना है कि ये तरंगे जो होती है ध्वनि तरंगे ये यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ये यांत्रिक तरंगे नहीं होती है। पहला अंतर आपको याद हो गया होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती है और ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। तो अगर आप सब्जेक्टिव में पूछा जाए कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है, तो यांत्रिक तरंगे होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या यांत्रिक तरंगे होती है, तो आपको लिखना है नहीं होती है। आपको दूसरा पहला अंतर याद हो गया होगा। दूसरे अंतर को देखिए, ये वायु में अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। जो ध्वनि तरंगे होती है वायु में जब ध्वनि तरंगे होती है तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जबकि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है यह सभी माध्यमों में अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जो ध्वनि तरंगे है यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, चाहे यह किसी भी माध्यम में हो। और जब ध्वनि तरंगे वायु में होती है यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती किसी भी माध्यम में हो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो आपको पहला अंतर भी याद हो गया होगा कि यांत्रिक तरंगे होती है, जो ध्वनि तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे नहीं होती है। दूसरा अंतर आपको याद हो गया होगा कि ये वायु में अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जो ध्वनि तरंगे होती है वायु में अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ये किसी भी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो दो अंतर आपको याद हो गए होंगे। तीसरे अंतर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अंतर आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, वायु में ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना होती है। जब ध्वनि तरंगे वायु में होती है तो इनमें ध्रुवन की घटना होती है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है यह तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनमें ध्रुवन की घटना नहीं होती है, जबकि जो ये ध्वनि तरंगे होती है इनमें ध्रुवन की घटना होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है, परंतु जो ध्वनि तरंगे होती है और ये जब वायु में उपस्थित होती है तब इनमें ध्रुवन की घटना होती है। तो आपको तीसरा अंतर याद हो गया होगा कि वायु में जब ध्वनि तरंगे होती है इनमें ध्रुवन की घटना होती है, जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनमें ध्रुवन की घटना नहीं होती है। तो चलिए चौथे अंतर की ओर बढ़ते हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो ध्वनि तरंगे होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अर्थात संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपको जो है साधन की आवश्यकता होती है, अर्थात माध्यम की आवश्यकता होती है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है अर्थात संचरण करती है तो इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती है इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं तो आप तक मेरी ध्वनि को पहुँचने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आपके और मेरे बीच में तो मोबाइल है, लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती है जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारे दोनों के बीच में किसी भी ध्वनि को आपस एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो विद्युत होती है जैसे कि लाइट को आपने देखा होगा, लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें वायर की आवश्यकता होती है। अर्थात इससे हमें क्या समझ में आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है इनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के
विद्युत चुंबकीय तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, जबकि जो ध्वनि तरंगे होती है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना माध्यम के जा सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण देकर भी समझाया है कि जब हम बात करते हैं तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और लाइट जो होती है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वायर की आवश्यकता होती है। अर्थात वायर जो है एक माध्यम है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, संचरण कर रहा है। चौथा अंतर आपको याद हो गया होगा। पांचवें अंतर की ओर बढ़ते हैं। इनकी चाल बहुत कम होती है। जो ध्वनि तरंगे होती है इसकी चाल जो चुंबकीय तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इसकी चाल से कम होती है। जो इसकी ध्वनि की तरंगे होती है कम होती है, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं तो इसकी चाल कम होती है। और जो विद्युत होती है लाइट होती है, देखा होगा आपने लाइट की चाल कितनी तेज होती है, तो कितनी होती है लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल कितनी होती है 3×10^8 मीटर सेकंड। 3×10^8 मीटर सेकंड विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है, जबकि जो ध्वनि तरंगे होती है 0°C पर वायु में 332 मीटर सेकंड होती है, सिर्फ 332 मीटर सेकंड, अर्थात बहुत कम। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है 3×10^8 मीटर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि लाइट की चाल कितनी अधिक होती है और जो ध्वनि होती है इसकी चाल कितनी कम होती है। तो इस अंतर को आप लिख देना है कि इनकी चाल बहुत कम होती है, अर्थात ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनकी चाल बहुत होती हैं। तो आपको इस प्रकार पाँच अंतर याद हो गए होंगे। पहला अंतर हमने बताया था कि ये यांत्रिक तरंगें होती है, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें यांत्रिक तरंगें नहीं होती हैं। ये वायु में जब उपस्थित होती है, अर्थात ध्वनि तरंगें जब वायु में होती है तो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, जबकि जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ये किसी भी माध्यम में हो ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। वायु में ध्वनि तरंगें ध्रुवन की घटना होती है नहीं होती है, जो ध्रुवन की घटना है वायु में उपस्थित होने पर नहीं होती है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवन की घटना होती है। चौथा अंतर आपको बताया था, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो ध्वनि तरंगें होती है इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनकी चाल बहुत कम होती है, अर्थात ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार यह अंतर आपका आज पूर्ण हो जाता है। अगर आपको इस अंतर को जानने में इंटरेस्ट लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक पर।